जब से यह काला कानून जारी हुआ है तब से बिहार में एक ही नहीं पूरे बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कौन लुटेरा है? पेपर के माध्यम से देखे कि पीएम कौन बनेगा, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मतलब देश का दुल्हा कौन है, फैसला नहीं हुआ है। बुला कर कह रहा है कि आइए मेरे यहाँ रोजगार कीजिए। किस प्रकार की राजनीति करेंगे वो, और करने के बाद ढिंढोरा पीटेंगे और 144 करोड़ लोगों को इसे बुला कर ढिंढोरा पीटेंगे, कहेंगे रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माइनर चेंज होता है, मेजर चेंज नहीं होता है। ये विरोध सड़क से लेकर सदन तक जाएगा। संपूर्ण क्रांति आंदोलन है ये। 3 लाख घर की जिंदगी बर्बाद हो गई। नई शिक्षक नियमावली में फिर से बदलाव हो गया है। डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है, तो वहीं बाहर के अभ्यर्थियों को जिस तरीके से पात्रता परीक्षा होती थी बिहार में, उसमें शामिल करवाया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए सत्यम है, सीटेट के अभ्यर्थी जुड़ेंगे, बात करेंगे। सत्यम, क्या हो रहा है ये? आप लोग बहाली की मांग कर रहे हैं और डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया जाए। जब से यह काला कानून जारी हुआ है तब से बिहार में एक ही नहीं पूरे बिहार के 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। और आज बिहार की इतनी बड़ी विडंबना आ गई है कि जिसको पूरे बिहारवासी रोजगार के नज़र से अब नहीं देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कौन लुटेरा है, जो सारे सत्ता पक्ष के लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री की बैठक में का बैठक नहीं करता है। एक पेपर के माध्यम से देखे कि पीएम कौन बनेगा, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मतलब देश का दुल्हा कौन है, फैसला नहीं हुआ है। बुला कर कह रहा है कि आइए मेरे यहाँ रोजगार कीजिए। और यही लोकतंत्र लोकसभा चुनाव में जाकर कहेंगे यही नीतीश कुमार, अरे जाइए ना जी बिहार में नौकरी कीजिए, दरवाजे तक खोल ना दिए हैं आपके लिए। जब बिहार में हम 2 लाख सीट दे सकते हैं, तो जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो इंडिया में नहीं देंगे, इंडिया में भी देंगे। हमारा मतलब है कि आप खुश रहिए और आप सब अच्छी रहे, आपका घर परिवार खुश रहे। किस प्रकार की राजनीति करेंगे वो, और करने के बाद ढिंढोरा पीटेंगे और 144 करोड़ लोगों को इसे बुला कर ढिंढोरा पीटेंगे, कहेंगे रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। इस तरह की चलेगी आने वाली विषय वस्तु। लेकिन उनको ये पता नहीं कि 2019 से लेकर आज तक आंदोलनरत हैं। सत्यम, आंदोलनरत है। और लोग को सोचना चाहिए कि 1 तारीख के दिन नियमावली को रद्द करने के लिए और साथ साथ इस काला कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन की तिथि रखा गई है। आपको 1 तारीख के दिन पूरे पटना को पाट देना है और सारे लोगों को पाटलिपुत्र की धरती फिर से बुला रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माइनर चेंज होता है, मेजर चेंज नहीं होता है। आपने नियमावली पर जो काम किया